हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर पीपल। मैं मधु पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं एक अलग टॉपिक के बारे में, एक सेल्फ लव बुक के बारे में, इकागाई। ठीक है, ये है वो बुक। ठीक, इसमें डाइट कैसी होनी चाहिए, एक्सरसाइज, योगा वगैरह सबके बारे में बताया हुआ है। तो वो वीडियो देखना, सुनना कैसा लगा। तो अगर बुक परचेस करनी रहेगी तो उसके लिए मैं लिंक भी ऐड कर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो परचेस कर सकते हो। काफी अच्छी बुक है, एक बार तो पढ़ना जरूरी है ही। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई, अ रीजन फॉर बीइंग, ये कॉन्सेप्ट इंसान को पर्पस देता है जीवन जीने के लिए। द ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइन करता है इकिगाई को अ मोटिवेटिंग फोर्स, समथिंग और समवन दैट गिव्स अ पर्सन अ सेंस ऑफ पर्पस और अ रीजन फॉर लिविंग। ये टर्म जापानीज के दो कंपाउंड वर्ड से बना है। इकी मीन्स लाइफ, अलाइव, और काय का मतलब है एन इफेक्ट, अ रिजल्ट, अ फ्रूट, अ वर्थ, अ यूज, बेनिफिट। जापान में एक जगह है ओकिनावा, यहाँ पे जो लोग हैं वो कंपेयरिंगली दूसरी कंट्रीज, दूसरी जगहों से ज्यादा जीते हैं। डैन ब्यूटनर ने वर्ल्ड में 5 ब्लू जोन्स बताए हैं। ये ब्लू जोन्स में जो लोग होते हैं वो अदर कंट्री के कंपेयर में ज्यादा जीते हैं और लेस डिजीज होती है उनको, मतलब ज्यादातर जो उनका जीवन होता है वो हेल्दी होता है। इससे रिलेटेड मैं और इन्फॉर्मेशन पिक में ऐड कर रही हूँ, तो चेक कर लो। इकिगाई एग्जैक्टली है क्या? जहाँ पे हमारा पैशन, मिशन, कॉलिंग और करियर इंटरसेक्ट करता है। ये डायग्राम देखो, पहली चीज होती है व्हाट यू लव, सेकेंड व्हाट यू आर गुड एट, थर्ड है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू आर कुड बी पेड फॉर। जहाँ पे ये सब चारों चीजों का इंटरसेक्शन होता है, ऐसी चीज हो जिसको तुम पसंद भी करते हो, जिसमें तुम अच्छे भी हो, जिससे दुनिया का फायदा भी हो और जिससे तुमको पैसे मिल सके, ऐसी कोई चीज हो तो वो तुम्हारी इकागाई है। इस बुक में 9 चैप्टर्स दिए हुए हैं, उसके अलावा प्रोलॉग है और एपिलॉग है। वैसे तो ये बुक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट और ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बता देती हूँ। प्रोलॉग इकागाई जो पहला है उसमें मिस्टीरियस वर्ड, मतलब इस वर्ड के बारे में बताया हुआ है। चैप्टर 1 में बताया है द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। इसी चैप्टर में वो डायग्राम मेंशन किया हुआ है, व्हाट इज योर रीजन फॉर बीइंग। इसी में द 5 ब्लू जोन्स के बारे में बताया हुआ है, द 80% सीक्रेट बताया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज मैं बताती हूँ क्या है। जापान में एक मोस्ट कॉमन सेइंग है हारा हाची बू, ये खाना खाने से पहले और बाद में रिपीट किया जाता है। इसका रफली इंग्लिश में ट्रांसलेशन है फिल योर बेली टू 80%, जितनी भूख हो उसका 80% ही खाओ, ज्यादा मत खाओ। कनेक्टेड फॉर लाइफ, मतलब अपने लोकल से मिलो, बात करो जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, ये सब चीजें बताई हैं। ऐसे ही करके पूरे 9 चैप्टर्स है। तो इन जो चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं एक एक बता देती हूँ, मैं चैप्टर्स के नाम नहीं बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बुक वाकई में पढ़ो, बुक बहुत अच्छी है। एक्टिव माइंड यूथफुल बॉडी के बारे में बताया है। एक कॉमन सेइंग है अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। बॉडी और माइंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। यूथफुल माइंड हेल्थी लाइफ की तरफ लेके जाती है। जैसे एक्सरसाइज बॉडी के लिए जरूरी है, वैसे माइंड के लिए भी एक्सरसाइज होनी चाहिए, जरूरी है। स्ट्रेस से हमारी लाइफ कम हो जाती है। बहुत लोग जो ऐसे दिखते हैं ना हमें, जो अपनी एज से ज्यादा के दिखते हैं, वो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो वो चीज कहते हैं ना फेस पे आ जाती है। वॉक करो, बैठे मत रहो, वर्किंग में भी एटलीस्ट 20 मिनट ईच डे वॉक करो, ठीक है, बहुत जरूरी है। एलिवेटर और एक्सेलेटर की जगह पे पैरों का यूज करो, सीढ़ियां चढ़ो, मतलब बहुत हैवी वर्कआउट के लिए नहीं बोला है, बट बेसिक वॉकिंग करना जरूरी है। लोगोथेरेपी के बारे में भी इस बुक में बताया है। फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू, वी आर व्हाट वी रिपीटली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। ये बात एरिस्टोटल ने कही थी, ग्रीक वाले कब से कहते चले आ रहे हैं। ये लोग क्या खाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्या ज्यादा ड्रिंक करते हैं। 15 नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया है जो कि इन लोगों के डाइट में इंक्लूड होती है। टोफू, मिसो, टूना, कैरट्स, गोया, कॉम्बू, कैबेज, नोरी, अनियन, सोया स्पॉट्स, हैचिमा, सोयाबीन्स, स्वीट पोटैटो, पेपर्स, सैनपिंचा, जैस्मिन टी। जैस्मिन टी का बेनिफिट बताया है, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम, हेल्पिंग रिलीव स्ट्रेस, और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, लो होता है। इसमें फिर सीक्रेट्स ऑफ ग्रीन टी के बारे में बताया है, इससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है,
ब्लड शुगर कम होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, फ्लू के अगेंस्ट इफेक्टिव है, बोन हेल्थ को प्रमोट करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, यूवी डैमेज से बचाता है। पर्सनली मैं खुद भी ग्रीन टी और कैमोमाइल टी पीती हूँ और मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। और भी इन्होंने एक दो फ्रूट्स वगैरह के बारे में बताया है। ये चीज़ें मैंने वो बता दी है ना जो हम लोगों को आसानी से मिल सकते हैं और हम लोग तुरंत खाना भी शुरू कर सकते हैं, पीना भी शुरू कर सकते हैं। ये जो टाइम चल रहा है ना, जितने हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, जितना स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, उतना रहना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग योगा को प्रमोट करते हैं, रेडियो टाइसो को प्रमोट करते हैं। इन सब के साथ साथ सूर्य नमस्कार के बारे में भी बताया है इस बुक में, टाई ची के बारे में बताया है। ये टाई ची चाइनीज मार्शल आर्ट है। इन लोगों ने वाबी साबी के बारे में भी बुक में बताया है। ये जो जापानीज कॉन्सेप्ट है इसका मतलब है, मतलब इम्परफेक्ट ब्यूटी पे ध्यान देना, परफेक्शन मत ढूंढो ब्यूटी में, इम्परफेक्ट चीजें भी ब्यूटीफुल है। इम्परफेक्ट नेचर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब जो वर्ल्ड में जो इम्परफेक्ट नेचर है वो भी बहुत खूबसूरत है। मेडिटेशन के बारे में भी बहुत जोर दिया है। तो कैसा लगा वीडियो, जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ। और ये मैंने भी बुक परचेस की है, इसको मैं पढ़ रही हूँ और मैं बीच बीच में पढ़ती रहती हूँ और इसकी हालत भी काफी अच्छी है, खराब नहीं हुई है, तो परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ। और जो भी चीज बुक में बताई है, जो भी चीज वीडियो में समझ में आई, तो जितना फॉलो कर सकते हो फॉलो करो। मतलब अभी हेल्दी लाइफ जीना इम्पॉर्टेंट टास्क है हमारा, तो करो, कोशिश करो। मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ भी, मैं ग्रीन टी कैमोमाइल वगैरह सब पीती हूँ, अच्छा तो लगता ही है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।